पाकिस्तान और IMF में मुआहिदा तय पा गया। बाज़ाब्ता ऐलामिया आज रात जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी की जाएगी। आलमी इदारा कर्ज प्रोग्राम को जुलाई 2023 तक तौसी देने का ऐलान करेगा। ₹100 बढ़ाए सिर्फ ₹10 कम किए शहबाज हुकूमत का नया सियासी स्टंट। पेट्रोल की कीमत में 10, डीजल की कीमत में ₹25 फी लीटर कमी का इम्कान। शहबाज हुकूमत के आने के बाद पेट्रोल की कीमत में 100 और डीजल की कीमत में ₹132 का इजाफा हो चुका है। कराची बनाना रिपब्लिक बन गया है। MQM शहर के हक के लिए लड़ रही है। लंदन की मिसाल देते हैं तो शहर को वैसा बनाएं भी। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं जितना ज्यादा कराची को तकसीम किया जा रहा है मसाइल बढ़ रहे हैं। शहर में इदारे तकसीम हैं। इन सब इदारों का बॉस वजीर आला है। हुकूमत से मुआहिदा कराची के लिए किया है। कम वक्त में ज्यादा बारिश से निजाम मुतासर हुआ। एवरेज से ज्यादा बारिश हो तो कोई शहर बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुराद अली शाह की वजाहतें। कहा बारिश के दौरान इल्जामात की सियासत की गई। PTI के 14 MNAs ने बयान देने के अलावा किया क्या। इल्जामात लगाने वाले ये बताएं कि कौन से अफसर कराची में नहीं थे। सूबाई हुकूमत ने वक्त पर नालों की सफाई करवाई। 5 जुलाई से इमरजेंसी ड्यूटी नाफिज कर दी थी। कराची में कल से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि 80 से 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। कराची हैदराबाद और सक्खर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में गंदगी का ढेर। बोर्टल मार्केट से भी अब तक पानी ना निकाला जा सका। सूबे में बारिशों से 34 अफराद जाँ बहक 12 जख्मी हो चुके हैं। पंजाब में जिमनी इंतखाब का मार्का। कप्तान फुल फॉर्म में। आज जंग में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। दो मकामात पर जलसे शेड्यूल। फवाद चौधरी कहते हैं 22 जुलाई को हमजा वजीर आला नहीं होंगे। 23 जुलाई को MQM और BAP हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगी। उम्मीद है कि 30 जुलाई तक हुकूमत से जान छूट जाएगी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट जा पहुंची। यास्मीन राशिद ने पटिशन दायर कर दी। मौकिफ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने जून में नई वोटर लिस्ट जारी की। जिस तारीख को ऐलान हुआ उस वोटर लिस्ट पर इलेक्शन होना चाहिए। कानून के मुताबिक उम्मीदवार जिसको चाहे एजेंट नामजद कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।